इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तानी एक्टर ने की इरफान पठान से मुलाकात। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना एक बार फिर से कल की मैच में होने वाला है। 28 अगस्त को भारत के हाथों करारी शिकस्त पाने के बाद ये दूसरी बार होगा जब पाकिस्तान टीम इंडिया से फिर टकराएगी। कल यानी 4 सितंबर भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा मैच होने वाला है, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। वैसे ही उत्साह पड़ोसी मुल्क में भी देखा जा रहा है और इसी के चलते पाकिस्तानी एक्टर ने इरफान पठान से मैच के पहले ही मुलाकात की है। टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी एक्टर मोमिन शाकिब अपने इंस्टाग्राम पर लगातार इतने मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। आपको याद हो कि 28 अगस्त को हारने के बाद मोमिन शाकिब ने विराट कोहली और हार्दिक पांड्या से मुलाकात की थी और जीत की बधाई दी थी। मोमिन ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे और लोगों ने इस पर खूब प्यार दिया था। अब एक्टर ने फिर अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल मोमिन ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, उसमें वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान एशिया कप में कमेंट्री कर रहे हैं। वीडियो में मोमिन इरफान से पूछते हैं कि भाई आपने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक की थी, कैसे हैं आप? इस पर इरफान पठान कहते हैं कि सब ठीक है, आपका काम ठीक है, मैंने वीडियो में देखे हैं आपके। इसके बाद मोमिन पूछते हैं कि संडे का आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान इंडिया मैच का क्या होना है? मोमिन के इस सवाल पर इरफान पठान मजे लेते हुए कहते हैं कि रिपीट होना है, यानी कि बातों ही बातों में और मजाक के तौर पर इरफान पठान ने एक बड़ा जवाब दिया है और तंज कसा है, यानी कि रिपीट होना है। जिस तरीके से 28 अगस्त के पहले मैच में पाकिस्तान को हार मिली, उसी तरीके का नजारा कल के मैच में भी देखने को मिल सकता है। और इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। फिर मोमिन कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच हो और यह ताजी हो।